धर्मशाला की वादियों में घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब धर्मशाला से मैक्लोडगंज का सफर महज 9 मिनट में बिना जाम में फंसे तय कर पाएंगे। आज से रोमांच का सफर शुरू हो गया है और धर्मशाला के विकास के अध्याय में एक और नाम जुड़ गया है जिसके लिए पर्यटक यहां पर आएंगे। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक बने रोपवे को मुख्यमंत्री ने लोकार्पित किया। 207 करोड़ रुपए की इस परियोजना से पर्यटक के विकास को पंख लगने की उम्मीद है। इससे पहले धर्मशाला को परम पावन दलाई लामा की शरण स्थली के कारण विश्व मानचित्र में जाना जाता था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के कारण विश्व ख्याति मिली और धर्मशाला व मैक्लोडगंज का नाम विश्व के पर्यटकों तक पहुंचा और पर्यटकों ने यहां दस्तक देनी शुरू की। अब एक नया अध्याय इसके साथ जुड़ गया है। जी, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हमको आगे बढ़ना है, स्वाभाविक रूप से हमको नई चीजों को भी उसमें जोड़ना होगा। लोगों का आना जाना सहज हो, सरल हो, लोग कंफर्टेबल महसूस करें, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी भी है और उस दायित्व का निर्वहन हमको करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिनकी एक छवि पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें धर्मशाला भी एक है, दलाई लामा जी के यहाँ रहने के कारण इंटरनेशनल लेवल का ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके साथ साथ में धर्मशाला की प्रकृति, नेचर यहाँ का, वो बहुत ही सुंदर है, वो भी बहुत बड़े एक आकर्षण का कारण है। धौलाधार और उसके साथ साथ यहाँ की जो खुली वादियाँ, हम इन सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारी नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जानी पहचानी, उनको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज एक बहुत बेहतरीन ये शुरुआत हुई है धर्मशाला में, जहां टाटा इंफ्रा की ओर से, टाटा ग्रुप की ओर से जो हमारा रोप वे है, जो लगभग 207 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ है, उसका आज विधिवत उद्घाटन करने का, उसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी धर्मशाला वासियों को भी और पूरा हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और टाटा ग्रुप का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनने बहुत कठिनाइयों के दौर में भी, क्योंकि बड़े इश्यूज आए थे इसमें और जिसके कारण थोड़ा डिले भी हुआ और कोविड भी एक बहुत बड़ा एक रीजन था बीच में जिसके कारण ये डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने तय किया कि ये बनाना ही है ये प्रोजेक्ट, और आज बन करके तैयार हुआ है। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ उस दृष्टि से ये टूरिज्म के क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश में रहेगी। धर्मशाला से मात्र 9 मिनट में हवा में मैक्लोडगंज तक सफर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोपवे का उद्घाटन करने के बाद कैबिन में सवार होकर हवा से प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। उनके साथ विधायक विशाल नेहरिया भी धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक गए व प्राकृतिक सौंदर्य को रोपवे से निहारा। रोपवे का आनंद उठाने के लिए 500 रुपए किराया खर्च करना पड़ेगा। एक तरफ का 300 रुपया किराया तय किया गया है, जबकि दोनों तरफ के सफर के लिए 500 रुपए देने होंगे। 3 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। रोपवे की लंबाई 2.25 किलोमीटर है। इसका बेस टर्मिनल धर्मशाला बस अड्डे और ऊपरी टर्मिनल को दलाई लामा बौद्ध मठ के समीप स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे को लोकार्पित किया है। इस पूरी परियोजना के लिए 207 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और परियोजना को टाटा कंपनी ने पूरा किया है। इस परियोजना के लिए 2015 में हिमाचल सरकार के साथ अनुबंध किया गया था और यह परियोजना 2018 में बनना शुरू हुई और अब लोगों के लिए उपलब्ध है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक जाने व आने के लिए 500 रुपए किराया प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है, जबकि एक तरफ का 300 रुपए किराया तय है। इस परियोजना के शुरू होने से पर्यटन को अब पंख लगेंगे। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके कारण धर्मशाला ऐसे भी हमारा टूरिस्ट
अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन के कारण मैंने बताए हैं यहाँ पर प्रकृति है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये रोपवे भी एक अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। जब टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ इस रोपवे के माध्यम से जाएंगे आएंगे, 500 रुपए का टिकट आने और जाने का, और उसमें GST इंक्लूडेड है उसमें। तो उस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफल एक प्रयास जो है टूरिज्म को हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करने की दृष्टि से होगा, और इसके चलते चलते हम और जगह भी, हम मंडी में भी एक रोपवे लगा रहे हैं, बिजली महादेव के रोपवे की प्रोसेस हमारी आगे बढ़ रही है, और उसके साथ साथ में रोहतांग के लिए भी रोपवे की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक आम आदमी के लिए भी आने जाने का एक माध्यम बनेगा, सहज बनेगा, सरल बनेगा, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता जा रहा है, इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी, ट्रैफिक का भी काफी हद तक इसके माध्यम से समाधान होगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।